वेलकम टू माय चैनल इंडियन अलका ब्लॉग्स। तो आज मैं फिर आप लोगों के लिए एक रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। तो मैं आज आप लोगों के लिए बनाना कपकेक बनाऊंगी, उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने जो अभी पिछले वीडियो में पालक कोफ्ता करी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी बनी थी, बहुत ही ज्यादा, मतलब मैंने पहले कभी नहीं खाई थी। मैंने जैसे कि उस वीडियो में बताया था कि मैं पहली बार बनाई हूँ, लेकिन फर्स्ट टाइम बनाई हूँ और बहुत ही पसंद आई घर में सबको, क्योंकि घर के लोगों ने भी किसी ने नहीं खाई थी तो बहुत ही तारीफ हुई। चलिए जल्दी से मैं आपको सामान दिखा देती हूँ, उसमें क्या क्या लगेगा, फिर स्टार्ट करते हैं बनाना कपकेक। इसमें एक लगेगा केला यानी बनाना, और एक कप मैदा, ये 1/3 कप है बटर, और 1/3 कप ही है पिसी शक्कर, और ये है आधा चम्मच बेकिंग पाउडर और आधा चम्मच मीठा सोडा या बेकिंग सोडा भी बोल सकते हैं। और 1 कप मैंने दूध लिया है, जितना लगेगा उतना यूज करूंगी, और ये मैंने थोड़े से बादाम लिए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं केले को एक फोक की हेल्प से मैश कर लूंगी, इसको अच्छे से बिल्कुल मैश कर लेंगे, गुठली जरा भी नहीं दिखनी चाहिए। ये मैश हो गया है, अब इसको हम साइड में रख देंगे। हम एक ऐसा बॉल लेंगे और छन्नी से हम, और जो भी चीज हम इसमें डालेंगे सब छान के डालेंगे। ये मैदा है 1 कप, इसको हम पहले छन्नी में छान लेते हैं, और इसी में हम बेकिंग पाउडर भी छान लेंगे, मीठा सोडा भी छान लेंगे इसी में मैदे में ही। अब इनको हम अच्छे से मिला देंगे, इसको भी हम साइड में रख देते हैं। फिर से हम एक बर्तन लेते हैं, अब इसमें हम शक्कर डालेंगे छान के। मैंने आपको बताया कि छान के ही लेंगे हर चीज। ये 1/3 कप नरम किया हुआ मक्खन है, पिघला हुआ, थोड़ा देर पहले फ्रिज से निकाल दिया था, इसको हम मिला लेंगे। अब इसको हम हैंड मिक्सर से फेंट लेंगे, जिससे शक्कर और मक्खन दोनों नरम हो जाए। ये देखिए हल्का सा हो गया और कलर भी थोड़ा सा व्हाइट हो गया है, पहले बहुत ही येलो कलर दिख रहा था, अब ये व्हाइट सा हो गया है। ये केला जो मैश किया था उसको मिला देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा दूध डालेंगे जरा सा। फिर इसको थोड़ा फेंट लेंगे। हम मैदा और इसमें जो बेकिंग सोडा और मीठा सोडा मिलाया था वो डाल देंगे, दूध ऐड करेंगे। थोड़ा सा दूध और लगेगा, लगने लगा है, अब ये अपना फिट गया है। अब इसमें बादाम मिला देंगे, मैंने ओवन स्टार्ट कर दिया है प्रीहीट के लिए। नाना कपकेक बना रही हूँ, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए ऐसी होनी चाहिए, ये इजी में नीचे ऐसे गिर जाना चाहिए। तो ये बिल्कुल तैयार है, अब इसको हम मोल्ड में भर देते हैं। मेरे पास ये सिलिकॉन के मोल्ड है, मैं इसमें भर देती हूँ। इस तरह के मेथड्स के आते हैं, आप इसमें भी बना सकते हैं। इसको इतने इतने भरने, खाली रखने, क्योंकि अभी ये
फूल करके ऊपर आ जाएगा। एक कप में दूध इतना बच गया है, पूरा नहीं लगा एक कप दूध, ये बच गया है मिक्सर, तो मैं ये मटर वाले में भर के रख दूंगी। इसमें थोड़ा बटर से ग्रीसिंग करनी पड़ेगी, मटर वाले जो मोल्ड रहते हैं उनमें ग्रीसिंग करनी पड़ती है, सिलिकॉन वालों की जरूरत नहीं पड़ती है, ये तो बहुत अच्छे से निकल आते हैं। सारे कप केक रख गए अंदर, इसको कन्वेक्शन में 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए पहले रख देते हैं, फिर चेक कर लेंगे। ये कपकेक कितने बढ़िया से फूल रहे हैं। मैंने 25 मिनट कर दिया था इसका टाइमिंग, अब बस तीन मिनट बचे हैं। रेडी हो गए हैं बनाना कपकेक, ये देखिए दूसरा बैच भी रेडी हो गया है बनाना कपकेक का। ये देखिए बनाना कपकेक बिल्कुल रेडी हो गए हैं। आप अपने फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए बना सकते हैं, बहुत इजी है, तो आप लोग बनाइएगा और एंजॉय करिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और अपने फैमिली रिलेटिव्स में ये वीडियो आप शेयर भी कर सकते हैं, जिससे वो भी अम्मी से के अपने बच्चों को भी बनाकर खिला सके। तो चलिए मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, गुड नाइट।